मार बा बाढ़ से बदहाल बा, भरी जवानी में मंगर हुआ चलत ठेंगुरिया चाल बा। अरे का बा बिहार में का बा, घर के नाम पे मड़ई भैया थुन्नी बल्ली ढहल बा, जूट बोरियवा सुत्ते खातिर चार लड़कवा लड़ल बा। का बा बंबई में काबा, मनोज वाजपेयी की आवाज में ये रैप सॉन्ग आता है और जो बिहार से हो रहे पलायन का दर्द बयां करता है। लेकिन इस रैप सॉन्ग के आते ही एक बिहार से गाना आता है और उस गाने के बोल होते हैं बिहार में काबा। और देखते ही देखते बिहार की एक लड़की इंटरनेट पर वायरल हो जाती है, उनके गाए हुए लोकगीत सबकी जबां पर रहते हैं। वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है नेहा सिंह राठौर। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक पर। शुक्रिया उत्कर्ष जी, थैंक यू। और मेरे जो दर्शक जो मुझे देख रहे हैं उनको भी नमस्ते प्रणाम आगोर लगाता नहीं। आपने कहा बंबई में काबा, मनोज वाजपेयी जी का जो रैप सॉन्ग है काफी ज्यादा बिहार उत्तर प्रदेश के लोग, जो पूर्वांचल के लोग हैं, काफी पसंद कर रहे हैं। और इसी पे मैंने एक लिखा है गीत, बिहार में काबा रैप है, मैं सुनाती हूँ दर्शकों को। बिहार में काबा, हाँ, कोरोना से बीमार बा, बाढ़ से बदहाल बा, भरी जवानी में मंगर हुआ चलत ठेंगुरिया चाल बा। अरे काबा बिहार में काबा, घर के नाम पे मड़ई भैया थुन्नी बल्ली ढहल बा, जूट बोरियवा सुत्ते खातिर चार लड़कवा लड़ल बा। काबा बिहार में काबा, हफ्ता के मजदूरी जो है रामलाल के मेहरा, रुआ कंधा पे हाथ रखत ठेकेदार बा। काबा बिहार में काबा, एसु शासन बाबू इज्जत कैले तार तार बा, हमरा लागेला निरहुआ बेमार बा, सुधार के दरकार बा, सूतल सरकार बा। काबा अरे 3 साल का डिगरी भैया 5 साल में मिले, आ कुर्सी वाले साहेब घोड़ा बेच के सुतेले बोले। काबा बबुनी मोर स्कूले जाली महतर साहब गायब, आ लिखलोढ़ा पर पत्थर पपुआ बने बिहार टॉपर। काबा मेरा सवाल यह है कि आप कह रही हैं कि बिहार में काबा, यानी कि बिहार में कुछ नहीं है, लेकिन बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, उनका कहना है कि बिहार के लोग जो हैं उनको पलायन करने में आनंद आता है। और इनफैक्ट 2 जून की रोटी कमाने कोई बाहर नहीं जाता, लोग ज्यादा कमाने जाते हैं और इसको वो पलायन नहीं मानते हैं। लोगों को आनंद आता है बाहर जाकर काम करने में। तो मुझे लगता है कि उनसे पूछना चाहिए कि भैया एक बार जा करके आप उन लोगों से पूछिए कि क्या सच्ची में उनको बड़ा आनंद आता है क्या। हाँ, या फिर मैं तो कहती हूँ कि ये आप लोगों को भी जा करके उनका इंटरव्यू लेना चाहिए, उनसे क्या कहते हैं कि उनके बयान लेने चाहिए, उन औरतों से पूछना चाहिए जिनके घर का मालिक उनके घर पे नहीं रहता है, जाकर के दिल्ली बंबई में कमाता है और ये इधर अपने 2 बच्चों को 4 बच्चों को कैसे पालती पोषती है। ये बड़ा ही अजीब बात है कि बड़ा मजा आता है। अरे भैया तो कहे वो मजा बिहार में ही ना आदमी लूटे, जब मजा ही बात है तो बिहार में कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि मतलब घर बैठे आदमी मजा लूटे, कहे बंबई में जाकर के मजा ले, कहे दिल्ली में जाकर के मजा ले, करो कुछ ऐसा कि घर बैठे अपने परिवार वालों के साथ लोग मजा करें। हाँ, पलायन पर मजा आपके करेंगे कई उसका। सारे गीत मैंने देखे, सैया के दिल्ली में बा नौकरिया, खुलवाई द गवर्नमेंट गंवे में कारखाना, ये तमाम वो लोकगीत आपने जो लिखे हैं जो पलायन पर आधारित हैं। तो अगर आप कुछ पलायन की 2 पंक्तियां सुनाएं और साथ ही साथ उन नेताओं को एक जवाब दें जो आज तक सरकार में रहते हुए पलायन जैसे मुद्दे पर कुछ काम नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए पलायन को। मैंने एक गीत लिखा हुआ है, सैया के दिल्ली में बा नौकरिया पिया राजधानी घुमाई देना। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो गांव की एक महिला है उसका हस्बैंड जो है दिल्ली बंबई जैसे शहर में जाकर के मजदूरी करता है। भाई हर औरत का शौक होता है ना कि वो थोड़ा सा बाहर घूमे, शहर देखे। जीवन भर तो गांव में रही तो सोचती है कि कैसा होगा शहर, कैसे हो राजधानी ट्रेन। अरे भाई गांव की ये जो है, जो जिनके पति कम कमाते हैं वो लोग तो लोकल ट्रेनों से ही सफर करती है ना, उनको कहाँ राजधानी और उनको कहाँ फ्लाइट मिलता है। लेकिन शौक तो सबके होते हैं ना। और जैसे उन्होंने कहा है, पता नहीं आपने अभी अभी नाम लिया उनका, कि वो सुशील कहते हैं कि मोदी, प्रवास, हाँ, उनको अच्छा लगता है। तो मैं बताती हूँ कि कैसा लगता है महिलाओं को जिनके पति बाहर में कमाते हैं, क्या कह रही है एक औरत अपने पति को। अरे कैसन हरेल राजधानी पिया राजधानी चढ़ाई गाना, कैसन हरेल राजधानी पिया राजधानी चढ़ाई दाना,
सैया के दिल्ली में बानो करिया पिया राजधानी घुमाई दाना। अरे कहाँ रहेला है सैया का वंडी उठिया करेला, कहाँ रहेला है सैया अका वंडी उठिया करेला, कितना मिलेला रुपया पिया राजधानी घुमाई दाना। पति कहता है अरे ईटा ढोई लाया बालू फेंकीला मजूरिया करीला, टेम्पू चलाई ला रिक्शा चलाई बेगरिया करीला, कि दिन भर के 200 रुपया धन धीर धारा हो। सैया के दिल्ली में भानो करिया पिया राजधानी घुमाई दाना। बताता है कि कैसे रहता हूँ कि पीला वेस्टेज पानिया जैसे बेमरिया बढ़ेला, अरे पीला वेस्टेज पानिया गुटाए फायदे उरी मलेरिया धारेला। धनी मोर सुगिया चिड़ैया हम राजधानी घुमाई बहो, तानी बढ़े दाना पदरवा हम राजधानी घुमाई बहो। थैंक यू, बहुत बहुत शानदार आप गाती हैं नेहा। कई सारे गीत मैंने लिखे हैं, मतलब इतने इतने आपने गीत गा दिए हैं अभी तक कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपसे कौन सा गीत सुनूं। बेरोजगारी पर आपने कई सारे गाने गाए हैं, तो क्या बेरोजगार हैं नेहा सिंह राठौर? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं बेरोजगार होंगी तभी मैं नहीं बेरोजगारी गीत गाऊंगी। हाँ, मेरे कई सारे जो दोस्त हैं या फिर कई सारे जो लोग बेरोजगार हैं, तो जरूरी नहीं कि मैं भी बेरोजगार हूँ तभी मैं बेरोजगारी के गीत गाऊंगी। मैं उनके लिए भी तो गाऊंगी जो लोग बेरोजगारी जैसी समस्या को सरकार के सामने कह नहीं पाते, या फिर कहते हैं ना अपने अधिकार जिनको पता ही नहीं है। गाँव घरों में लोक जीवन में आप देखते होंगे जो आम लोग हैं उनको बड़ा डर लगता है, और जो सफेद पोश में आते हैं ऐसे उनको देखते देखते साहा बलन गमछा उतार के नीचे रख दो उनके चरण में। ऐसा नहीं है, उनको समझना चाहिए कि आपको डर नहीं लगता है नेहा? आपके आपके कई सारे गीत मैंने देखे कि सूट बूट की सरकार, राहुल गांधी ने बीजेपी की सरकार को सूट बूट की सरकार बोली थी। आपके एक गाने में सूट बूट का जिक्र है, एक आपका आपके गाने में जिक्र है कि झोला कंधे पर झोला और हाथ में कटोरा थमाकर विकास किया, आत्मनिर्भर बना दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं, आत्मनिर्भर भारत और भीख मांगने वाली पकौड़ा वाली चीजें आप बोलती हैं, आपको डर नहीं लगता है कि आप सीधे सरकार को चुनौती दे रही हैं? नहीं नहीं, डर मुझे लगता, मैंने एक दो इंटरव्यूज में मैंने बताया है कि डर लगता जब मुझे लोकतंत्र का नियम नहीं मालूम होता। सरकार ने खुद ही बताया है, नियम बनाया है कि जनता आप सरकार से सवाल कर सकते हो, हाँ, अपने हक के लिए आप उनसे हक मांग सकते हो, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर डरने की क्या बात है? सरकार ने जब खुद ही कहा कि आप मुझे सवाल करो, फिर जब हम सवाल करें तो फिर डर किस बात का? जहां तक मुझे पता है नेहा, आपने 2018 में ग्रेजुएशन पूरी की है, आप अगर अपने बारे में कुछ बता सकें कि आप कहां से हैं, आपने क्या पढ़ाई की है और आप नौकरी क्यों नहीं कर रही, गाने क्यों बना रही हैं? हाँ, मैं एकदम बता रही हूँ। प्राथमिक शिक्षा जो है वो मेरी बिहार से ही कम्प्लीट हुई है। मैं बिहार के कैमूर जिले से हूँ। कैमूर जिले में एक बहुत ही छोटा सा गाँव है जंदहा, मैं वहां से हूँ। 2018 में मैंने कानपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, मैंने बीएससी किया हुआ है। 2018 के बाद मैंने एक चीज नोटिस किया अपने समाज में और अपने भोजपुरी गीतों में बोलेंगे कि इतना अश्लीलता फुहड़पना जिस तरह से बढ़ रहा है, मेरे को लगा कि नहीं भाई, अगर इसी तरह से ये सब कुछ चलता रहा तो सही नहीं है। तो एक कहते हैं ना कि एक कोशिश अपनी भाषा की सेवा की, तो वही मैंने किया है और मैं कर रही हूँ। तो ये आप शौक के लिए गाती हैं नेहा, या आपको लगता है कि इसमें आप अपना करियर बना सकती हैं? बिल्कुल करियर बनाया जा सकता है, आप तो देख रहे हैं, सेवा करते हुए करियर बनाना है, भोजपुरी भाषा की सेवा करते हुए करियर बनाना है, हाँ, तो बिल्कुल करियर बनाया जा सकता है इसमें। तो आप करीब 2 साल से गा रही हैं, लेकिन बीते 2 हफ्ते से आप वायरल हैं, तो आपको उम्मीद थी कि 2 साल लग जाएंगे मेरे लोकगीतों को इतनी बड़ी पहचान मिलने में, या अचानक से जब आपको
पता चला कि आप ट्विटर पर और फेसबुक पर वायरल हो गई हैं, क्या फील हुआ आपको? सच ये है कि मैंने कभी भी वायरल होने के लिए नहीं गाया। सच ये है कि कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि 2 साल बीत गए। मैं बड़ी ईमानदारी से, जो कहते हैं ना कि हाँ, आराम से अपना काम मैं करते जा रही थी, करते जा रही हूँ। मेरा एक ही काम है, जन की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। जो लोग, जो दबे कुचले लोग हैं, जो अपने अधिकार नहीं जानते हैं, जो अपनी बात कहने से डरते हैं, उनकी बात को कहना। बाकी ये मेरा कभी भी ऐसा नहीं था कि मुझे वायरल होना है या फिर मुझे एकदम से छा जाना है, ये कुछ भी नहीं था। एकाएक ये ऐसे हो गया कि मैं मेरे गाने फेसबुक पेज पर अपलोड करती थी, तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरे फेसबुक पेज की रीच घटा दी गई। तो फिर मैंने उस दिन से ना, क्या कहते हैं, कि ट्विटर पे गाना अपलोड करना शुरू किया। और बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा था, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन, उससे पहले ही मेरा गाना सूट बूट आटाई लगाते वाला पेज पे मैंने अपलोड किया हुआ था। और उस दिन मैंने ऐसे ही अचानक से मैंने ट्विटर पे अपलोड कर दिया। जैसे ही मैंने ट्विटर पे अपलोड किया, बच्चों ने, जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो थरिया बजाने वाले बच्चे, और काफी ज्यादा लोगों ने, बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां, फिल्मी जो फिल्म डायरेक्टर जो लोग हैं, उन्होंने हाथों हाथ ले लिया एकदम से, सब ट्विटर पे शेयर, और एकदम पूरा से कहते हैं ना कि पूरा वायरल। कैसा फील हुआ आपको? बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों ने शेयर किया, तो ये जो प्रेज आपको मिला इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों से, कैसा फील होता है? हाँ, अभी तो हम बच्चे हैं ना, तो जब हमसे अनुभवी, हमसे जो गुणी लोग हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, अगर अपने बच्चे को कहते हैं ना कि हाँ शाबाश बेटा, तुम अच्छा कर रहे हो, तो अच्छा लगता है ना। हमारे माई बाप जो है, अगर हमें ये बोले कि बेटा बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो, ऐसा करो, अच्छा लगता है। बढ़िया लगा मुझे भी। पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वो सूट बूट वाला गीत सुनना है, और साथ ही साथ मेरा एक सवाल भी है कि आप की प्रेरणा कौन रहा? चूंकि मैथिली ठाकुर भी मिथिला, हाँ, मैथिली भाषा में एक लोक गायिका हैं, काफी अच्छा वो भी कर रही हैं। आपके लिए जो आपकी तरह लोग जो गाना चाहें, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? ये दो चीजें हैं, पहले आप मुझे सूट बूट का वो जो गीत है जो वायरल हुआ वो आप सुनाएं। अरे सूट बूट टाई लगा के बबरते वातानी, हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी लेके, अरे बी एड एमएड डिग्री लेके घास गढ़ा तानी, हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। दर दर ठोकर खाके भैया पटरी पे सुतल बानी, हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। गरम गरम ताजा ताजा मुड फरस हो जाओ राजा, चाय बेचा तानी, हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। अरे बेरोजगारी का आलम हो भैया अथरिया पीटा तानी, हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। थैंक यू। हाँ, आपने कहा ना कि प्रेरणा की बात जी। हाँ, तो मुझे लगता है, और मैंने कई बार ऐसा कहा है, कि अगर आप एक संवेदनशील इंसान हैं और अपने परिवेश में हो रही घटनाओं के बारे में आपकी पैनी नजर है, तो आपको कहीं से भी प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर से वो जो लेखनी है, गायकी है, या जो कुछ भी है, वो निकल ही आएगा। तो मैंने कहीं भी प्रेरणा नहीं लिया हुआ है, जो कहेंगे ना। हाँ, लेकिन एक बात कह सकते हैं कि बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ लोक गीतों की अगर बात है, तो मेरी मम्मी गाती थी शादी विवाहों के अवसरों पे, मैंने उनको गाते हुए सुना है। तो ये बोल सकते हैं कि मम्मी से ये सीखा है ये चीज। तो आप बचपन से गाने की कोशिश करती थी, आप गाती रहती थी? हाँ, बचपन में कब कब माई और गाड़ी गाओ सुनता, हमारा बड़ा लाज लगे कि कैसे गाड़ी गावे लेकिन लेकिन अब मुझे लगता है कि ये तो हमारी परंपरा है, ये तो हमारा जो कहते हैं ना विरासत है। और ठीक ठीक
हाँ नेहा आप कंप्लीट करिए। हेलो। हाँ तो मैं कह रही थी ना कि पहले मुझे शर्म आती थी थोड़ा सा कि मम्मी लोग कैसे आप गाली गा देते हो। फिर मुझे पता चला जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और मम्मी ने समझाया कि बेटा जो है ना लोकगीत धरोहर चीज होती है, जो गाली है या फिर कुछ भी है वो अवसरों के दिन पे गाई जाती है। राम जी जब मिथिला में विवाह करने आए हैं तो सखियों ने उनको भी गाली दिया है, सुनाओ सखियां कहुनवा से गारी सुनाओ, है ना। नेहा तो मम्मी ने आप मैं आपकी उम्र नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आप बालिग हैं और आपने वोट डाला होगा। आपने एक गीत में 15 साल पापा और 15 साल चाचा का जिक्र किया। वो पापा चाचा कौन है वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। आप ये बताइए कि आपको कोई नेता पसंद भी है या नहीं? मेरे को कौन नेता पसंद है? देखिए भैया, अब नेता अगर पसंद ना पसंद की बात आप करते हैं तो मैं एक गाने में आपको बता दे रही हूँ कि 15 साल चच्चा रहना, 15 साल पप्पा, तबो ना निकल बेरोजगारी का खप्पा, जब सिया होले मोर अरब के रवाना, तब तब जियरा हो खोजे एगो एहिजो कारखाना, अरे दुद्दू गो मर भैंस भैया मिले नाही चारा, आ दह गईले बह गईले बाढ़ के धारा बोला कावा। अब आप बताइए कि कौन नेता पसंद है कौन नेता नहीं पसंद है। आप इस 4 लाइन की जो रैप में आप समझ गए होंगे। हाँ 15 साल आप लालू यादव और 15 साल नीतीश कुमार का जिक्र कर रही हैं, तो क्या उससे पहले सारी चीजें ठीक थी? क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही नारा पुष्पम प्रिया भी देती हैं कि 30 ईयर्स ऑफ लॉकडाउन। जी तो आपकी ये बात और पुष्पम प्रिया का वो नारा दोनों मुझे एक जैसा लगा, तो इसलिए मैं ये आपसे सवाल जानना ये चीज जानना चाहता हूँ कि क्या आपको कोई बिहार में नेता लगता है जो जो माहौल है, जो हालात है, वो बदल सकता है? अभी तक तो नहीं, आई एम सॉरी लेकिन अभी तक तो नहीं। यानी आपको नीतीश कुमार भी पसंद नहीं है, जो कि कहते हैं कि वो सुशासन बाबू हैं, उनको कहा जाता है, भारी बदलाव कर दिया उन्होंने बिहार में सड़कें। आप पसंद की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा तो ऐसु शासन बाबू इज्जत कैले तार तार बा, हमारा लागेला निरहुआ बीमार बा, सुधार के दरकार बा या कुतल सरकार बा, बस मैं इतना बोलना चाहूंगी। अच्छा ठीक है, बिहार में आपको कोई नेता पसंद नहीं, केंद्र में क्या कोई नेता पसंद है, मोदी जी या कोई और नेता या कोई महिला नेता आपको पसंद हो? सॉरी, मैं नेताओं पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाह रही हूँ। जो है भगवान करे कि वो बढ़िया काम करे अपन सबों के लिए, रोजगार वोजगार की व्यवस्था करे, और बाकी जो कर रहे हैं वो करे। आप वोट डालने जाती हैं तो क्या रहता है मन में, किस आधार पर डालती हैं? हाँ, मैं जब वोट डालने जाती हूँ तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि हाँ लगता है, जैसे जो बोलते हैं ना कि इनको वोट करना चाहिए, और उनके कामों को मैं देखती हूँ थोड़ा सा, और इसके बाद फिर मैं वोट करती हूँ। और हाँ एक जी 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 बोलिए। एक गीत लिखा है मैंने, अगर मेरे वोटर्स जो है, मेरे जो कहते हैं कि जो मतदाता है मेरे गांव समाज के, अगर वो वोट डालने जाएंगे तो उनको जागरूक करने के लिए मैंने एक गीत लिखा। नेहा आवाज आ रही है आपको? हाँ। तो नेहा समय की दरकार हमें आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही है। मैं आपको सिर्फ एक मैं अपनी गीत सुनना चाहूंगा जो जो कि मेरा फेवरेट है, कि कान्हे झोली हाथे कटोरा थमा गई ले, ये सुनाकर हम इसे खत्म करेंगे। कान्हे, ओके ओके, फिर मैं सुनाती हूँ कि कान्हे झोली हाथे कटोरा थमाई गईले, आया अच्छा दिन आई गईले हो, कैसन कैसन अच्छा दिन आई बा, कि बस छिलो बसवे से देना बनाओ, अबे ना बेची बेची आतम निर्भर हो जाओ, कि साहब विकास के आस बुझाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो, कान्हे झोली हाथे कटोरा थमाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच नेहा, बिहार तक के साथ जुड़ने के लिए। आई विश यू अ ग्रेट थैंक यू। सक्सेस। आप जो काम कर रही हैं उसमें ऐसे ही लोगों को जागरूक करते रहें और वो तीखे सवाल पूछते रहें जो हम भी पूछते हैं। आप लोकगीत के माध्यम से वो सवाल उठा रही हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बिहार तक से जुड़ने के लिए आपका। एक चीज में बोलना चाहूंगी,
हाँ, जो मैं जितने भी दर्शक मेरे देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि धरोहर नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे मेरे सारे गाने उपलब्ध मिलेंगे, तो प्लीज वहां जाए और वहां से मेरे सारे गाने सुने। हाँ बिल्कुल, दर्शक आपको जरूर सुनेंगे, आपको भरपूर प्यार देंगे और हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बिहार तक देखते रहें। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है, फिलहाल के लिए धन्यवाद।